मेरा नाम नित्यानंद त्रिपाठी है। आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है नरेशन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नरेशन होता क्या है, नरेशन कितने तरह का होता है और जब हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म में तो कौन कौन से नेसेसरी चेंजेस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है नरेशन के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले नरेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे नरेशन होता क्या है। तो देखिए नरेशन जो है नरेट शब्द से डेराइव होता है, नरेशन जो टर्म है वो नरेट शब्द से डेराइव होता है और नरेट शब्द का मतलब होता है कहना या बताना। हम समझ सकते हैं जनरल वे में, अगर कोई व्यक्ति जो कि एक स्पीकर के तौर पे काम कर रहा है, बोल रहा है, कुछ कह रहा है तो बता रहा है, तो उसके द्वारा जो कही गई बात है या जो बताई गई बात है उसी बात को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। मतलब ये कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात या स्पीकर के द्वारा बोले गए बातों को, बोले गए शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। जनरली जो नरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसे डायरेक्ट नरेशन होता है जिसे हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। नरेशन दो होता है, पहला क्या होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, और इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन के साथ साथ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आइए आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि नरेशन जो है नरेट शब्द से बना है, नरेट का मतलब होता है कहना या बताना, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बात को ही हम कथन कहते हैं। अब वो जो कथन होता है वो मुख्यतः दो तरह का होता है, पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को दोस्तों हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच भी बोल देते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बोलते हैं। आइए अब आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या अंतर है। देखिए डायरेक्ट का मतलब हुआ प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष से तात्पर्य होता है आपका फेस टू फेस मोड में, सीधे सीधे। अब अगर यहाँ एक व्यक्ति है, एक स्पीकर है, और जैसा कि हम जानते हैं किसी स्पीकर के द्वारा कहे गए बात को ही हम नरेशन स्टेटमेंट कह, वो स्पीकर का एक स्टेटमेंट है और उसके स्टेटमेंट को ही हम नरेशन कहते हैं। अब यहाँ हमें समझना ये है कि जो स्पीकर है उसके बात को डायरेक्ट नरेशन का मतलब हो गया प्रत्यक्ष कथन। मतलब ये जो स्पीकर है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बताया है, कुछ कहा है उसने, कुछ बोला है उसने, तो जो भी जानकारियां उसने दिया है, जैसा उसने बताया है वैसा ही हम उसे विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं, तो ये आपका बन जाता है डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन का जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हमने लिखा कि ही सेड टू मी आई एम Going home now. अब यहां हम देख रहे हैं कि ही एक ही जो है ही आपका एक सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट के साथ साथ ये स्पीकर का काम कर रहा है। यहां समझेंगे हम कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग होम नाउ, कि अभी मैं घर जा रहा हूं। अब यहां हमें समझना ये है कि अभी मैं घर जा रहा हूं ये बात जो है ये किसके द्वारा कही गई है, तो ये जो पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ही का है और ही ने, ही आपका क्या हुआ स्पीकर हुआ, क्योंकि जो कुछ बोलता है जो कुछ कहता है वो स्पीकर होता है और जो सुनता है वो आपका लिसनर होता है। जैसे ही बोल रहा है तो ही आपका स्पीकर हो गया और ही किससे बता रहा है, मी से, तो मी आपका किसके रूप में हो गया, लिसनर के रूप में, या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब हमें यहां समझना होगा कि उसने कहा उससे कि मैं घर जा रहा हूं अभी, तो उसके द्वारा जैसा उसने कहा है उसके द्वारा कही गई बात को हमने हूबहू वैसे ही उतार दिया है। मतलब वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर विद इन डबल इनवर्टेड कॉमा,
दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। मतलब ये कि स्पीकर के कही गई बात को हमने ज्यों कहते हो, अभी यहाँ ही ने जो भी कहा है, जैसा भी ही ने कहा है वैसा ही हमने उतार दिया, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों कहते हो लिखना, फेस टू फेस मोड लिख देना, सीधे लिख देना, जो जैसा उसने कहा है यथावत वैसा ही अगर हम लिख देते हैं तो ये आपका हो जाता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहाँ आप देख सकते हैं कि ही के द्वारा कहे गए बात को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैसे ही लिख दिया है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। इसलिए हम इस तरह हम कह सकते हैं इन डायरेक्ट नरेशन वी डू नॉट चेंज द एक्चुअल वर्ड ऑफ ए स्पीकर, वी राइट डाउन द एक्चुअल वर्ड ऑफ ए स्पीकर विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब इसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, तो यहाँ हम उसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अगर उसी हम सेंटेंस को ले लेते हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग होम नाउ, तो अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट है, इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही स्पीकर है, और ही ने जैसा कहा है हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैसा ही उतार दिया, तो ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच हो गया। मतलब इसके द्वारा कहे गए मुख्य बात, मूल बातों को जैसा इसने कहा वैसे हमने उतार दिया। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट नरेशन के भी पार्ट होते हैं, और डायरेक्ट नरेशन मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप देखेंगे कि ये एक कॉमा के बाहर का ये एक पार्ट है, और डबल इनोटेड कामा के अंदर का ये पार्ट है, और ये दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंसेस हैं, इसको जो कॉमा ने डिवाइड कर दिया है, मतलब ये दो पार्ट में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होंगे, एक तो आपका कॉमा के पहले, कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है, पहले वाला हिस्सा है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। देखिए, रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना देना, तो जिस हिस्से से सूचना दिया गया है वो रिपोर्टिंग पार्ट है। जैसे रिपोर्टर होते हैं, प्रेस रिपोर्टर होते हैं, वो हमें रिपोर्ट करते हैं, हमें सूचना देते हैं, उसी इन द सेम वे ये रिपोर्टिंग पार्ट है, क्योंकि यही पार्ट हमें किसी बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई सूचना दे रहा है। तो अब यहाँ ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होंगे, डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे। पहला आपका होगा रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का स्पीच है, जो स्टेटमेंट है, उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह से डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हो गए, पहला हो गया रिपोर्टिंग पार्ट, दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब समझेंगे, यहाँ रिपोर्टिंग पार्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ही जो है, ही आपका सब्जेक्ट है, या इस सब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट भी बोला जा सकता है, ये स्पीकर भी बोला जा सकता है, इसलिए क्योंकि जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं इसी के माध्यम से मिल रही हैं, तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया और ही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम देख रहे हैं सेड टू, यहाँ सेड देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और सेड के बाद टू लगा हुआ है, और ही सेड ये आपका वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट मी हो गया। अब या तो ये ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या तो हम इसे लिसनर कहते हैं। अगर हम इसको ही को स्पीकर कहेंगे तो मी को हम लिसनर कहेंगे, क्योंकि ही ने बताया है और मी ने सुना है। तो अभी रिपोर्टिंग पार्ट के हमने जाना कि रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब तो आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के आने की अनिवार्यता नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है नरेशन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब चेंजेस हम करते हैं तब हम उस वर्ब को, इस ऑब्जेक्ट रहता है, तो कभी चेंज करते हैं और कभी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो तो बात की बातें हैं। आपको ये समझना है कि रिपोर्टिंग पार्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और कभी कभी ऑब्जेक्ट दिया भी जाता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया जाता है।
अब यहाँ हम देख रहे हैं कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा ने दो सेंटेंस दो पार्ट्स को अलग कर दिया हुआ है। ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर के हिस्से को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे दोस्तों। डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर के जो स्टेटमेंट है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इसमें हम देख रहे हैं आई, ये आई एम गोइंग होम नाउ, मैं अभी घर जा रहा हूँ, इस वाक्य में ये आई सब्जेक्ट के रूप में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया। Is, am, are और वर्ब में ing आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आई लगा है, आई के साथ am का यूज हुआ है और वो में ing लगा है और उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है। और एक चीज आप यहाँ नाउ देख रहे हैं, ये आपका नियरनेस वर्ड है ना। बहुत सारे नियरनेस वर्ड होते हैं, नाउ है, दिस है, टूडे है, यस्टरडे है, ये सारे वर्ड्स हैं जो नियरनेस सोबिंग वर्ड्स हैं। अब ये तो आपने जाना कि डायरेक्ट नरेशन के मुख्यतः दो पार्ट होंगे, एक होगा रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा के पहले के हिस्से को हम कहेंगे रिपोर्टिंग पार्ट, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट आ भी जाता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, उसमें एक जो है टेंस होगा, जैसा जिस वो सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस दिया है उसका कोई टेंस होगा और यहाँ नियरनेस वर्ड होगा। अब हमें समझना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। आइए दोस्तों उसको भी जानने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं, किसी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कन्वर्जन करते हैं तो व्हाट आर द नेसेसरी चेंजेस वी हैव टू फॉलो। अब ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया। जब डायरेक्ट से हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो आप कभी भी ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये कामा के बाहर के पार्ट को रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और डबल इनवर्टेड कामा के अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करेंगे तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब आप चेंज करें तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही का ही हो जाएगा और यहां मी का मी हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट का ये सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है। और जब भी हम व्हाइल द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच वी डू नॉट चेंज, वी डू नॉट रिप्लेस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रही होगी ये चीज। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने जाना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। अब बचा आपका सेट टू। सेट टू ये आपका एक वर्ब है और हमेशा दोस्तों आप याद रखें कि वर्ब को चेंज करते हैं और वो वर्ब को चेंज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए सेंटेंस के अनुसार। और यहाँ जो सेंटेंस होगा वो पांच तरह का आएगा, मतलब इस वर्ब को जब भी हम चेंज करके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें चेंज नहीं करना, हमें वर्ब को चेंज करना है और वर्ब किसके अनुसार चेंज होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के सेंटेंस के अनुसार। और दोस्तों यहां सेंटेंस पांच तरह का आता है, ये आपको ध्यान देना है। अब कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, ये आप देख रहे हैं कि दोनों पार्ट को अलग किए हुए हैं। अब इस कॉमा को हटाएंगे और इस कॉमा को हटा करके एक शब्द का यूज करेंगे और उस शब्द को हम कहते हैं कंजंक्शन। दोस्तों कंजंक्शन क्या होता है, सेंटेंस लिंकर होता है। सेंटेंस लिंकर मतलब वाक्यों को जोड़ने वाला, दो सब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को आपस में जो जोड़ता है उसे हम दोस्तों कहते हैं कंजंक्शन। तो जब तक हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा कर एक कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे तब तक रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच नहीं जुड़ेगा। इसलिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उचित कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस कंजंक्शन का भी प्रयोग हम इस आए हुए सेंटेंस के अनुसार ही करते हैं दोस्तों। इसके बाद बात आती है आई। आई आप देख रहे हैं कि आई एक पर्सन है दोस्तों, और आई आप जानते हैं पर्सन तीन तरह के होते हैं। आई किस पर्सन का है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब समझिए फर्स्ट पर्सन को प्रोनाउन को बदलने का नियम होता है एस ओ एम। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। दोस्तों अब यहाँ समझना ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ पर्सन फर्स्ट पर्सन का है
तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकेंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज दोस्तों। 123 का रूल फॉलो करते हैं, मतलब जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जैसे आप जानते हैं कि आई और वी ये दोनों दोस्तों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, और फर्स्ट पर्सन को प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे दोस्तों। तो आई और वी अगर आ गया तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाएंगे। अब अगर आई और वी के अलावा, ये तो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया दोस्तों, अगर इसके अलावा यू आ गया तो यू, ध्यान दीजिएगा, यू आ गया तो यू आपका सेकेंड पर्सन होता है दोस्तों, और सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो अगर यहाँ सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और आई वी और यू के अलावा ही सी इट दे कोई भी नाउन आ गया तो वो नाउन दोस्तों थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो जब भी दोस्तों आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कन्वर्जन करना है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो आपको सन का रूल फॉलो करना है, सन मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। दोस्तों आइए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब हमने यहाँ पर्सन बदलना सीख लिया कि फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को परिवर्तित नहीं करेंगे। अब इसके बाद टेंस संबंधी भी परिवर्तन होता है, टेंस संबंधी परिवर्तन को भी समझने का प्रयास करेंगे। आप समझ, अगर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट टेंस आया है तो टोटल प्रेजेंट टेंस बदल देते हैं टोटल पास्ट टेंस में। अगर मान लीजिए प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस में आया है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जब रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन में है तो जब वो इनडायरेक्ट में बदलेगा तो वो पास्ट के इंडिफिनिट में चला जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चला जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस अगर होगा तो वो बदल जाएगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। मतलब ये कि अगर यहाँ डू एड्रेस आया है तो यहाँ डिड हो गया, अगर यहाँ इज एमआर आया और वर्ब में आईएनजी तो यहाँ वाज और वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, अगर यहाँ हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह हमने देखा कि टोटल प्रेजेंट टेंस दोस्तों हम बदलते हैं टोटल पास्ट टेंस में। अब अगर मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन के अंदर पास्ट इंडिफिनिट टेंस आ गया तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जब पास्ट परफेक्ट आया हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया हो दोस्तों इनको हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ जाइए कि जब भी आप टेंस में परिवर्तन करते हैं, जब भी डायरेक्ट नरेशन का जो टेंस है वो इनडायरेक्ट में बदलता है तो टोटल प्रेजेंट बदल जाता है टोटल पास्ट में। और सबसे लास्ट में हमें समझना ये है कि जो नियरनेस वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं नाउ, इस नाउ को भी बदल देते हैं और नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। टूडे है तो दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे है द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो है द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो इस तरह से नियरनेस वर्ड में चेंज हो जाता है। तो अब फाइनली हम ये समझने का प्रयास करेंगे अंतिम में कि रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं करते हैं, वर्ब को हम बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार जो कि पांच तरह का होता है, इसके बाद हम देखते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और यहाँ एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, और कंजंक्शन जो होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है। इसके
बाद पर्सन जो होता है, पर्सन को बदलने का नियम है सन, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ सन 123 के अकॉर्डिंग बदलेंगे, टेंस में भी परिवर्तन होता है और उसके बाद नियरनेस वर्ड में भी दोस्तों परिवर्तन होता है, नियरनेस वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो इस तरह हमने समझा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम परिवर्तन का नरेशन होता क्या है, नरेशन कहते किसे हैं, नरेशन कितने तरह का होता है और कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय। दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप, मैं इसे यूट्यूब पे डाउनलोड कर रहा हूँ अपलोड। तो दोस्तों यह मेरा डेमो क्लास था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं और मैं इसके आगे के पार्ट्स को बताऊंगा और विद एग्जांपल जो है हम समझने का प्रयास करेंगे और मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से अच्छी नॉलेज जो है मेरे इस चैनल के माध्यम से गेन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।